Noor Manviwala is with us. Noor, thank you so much for coming and thank you so much for writing what you did. बहुत ही एहसास होना चाहिए, बहुत ही फील करना चाहिए. बहुत दफ़ा लोग, अभी हम यही बात कर रहे थे ब्रेक में, कि अब जो DHA, क्लिफ्टन और ये सारी जगह जो कि बाकी कराची को लगता था कि ये जो बड़े प्रिविलेज्ड हैं, एवरीबडी इज़ इन द सेम बोट नाउ. आपको ये महसूस हुआ? यस, मुझे ये डेफिनेटली महसूस हुई थी. एंड एक्चुअली इट हैपन बिकॉज अ लॉट ऑफ आर कॉलीग्स ऑन द वे टू वर्क गॉट स्ट्रैंडेड फॉर 6 to 7 hours एंड वी वर हेल्पलेस, वी डिडंट नो व्हाट टू डू. तो मेरे ख्याल से इट केम आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ एंगर, हेल्पलेसनेस एंड अ लॉट ऑफ सैडनेस अबाउट माई सिटी. अच्छा, एंगर की जो आपने बात की है ना, कि ये बिल्कुल सही एक इमोशन जो है बहुत कराची वालों का, वो एंगर और वो फ्रस्ट्रेशन निकली है कि ये कोई जो इस वक्त हालात हुए हैं ये कोई नए हालात नहीं है. ये तो अब एक एक्सट्रीम पे देखा है, बट दे वर गेटिंग देयर, जिसके बारे में हम भी जिक्र करते हैं. आज हम बारिशों की बात कर रहे हैं. इससे पहले कराची में हर रोज की टारगेट किलिंग होती थी, किडनेपिंग फॉर रैंसम एक नॉर्मल बात थी. सो कराची हैज सीन अ लॉट. हम जब कराची की बारिशों की तबाहकारियों की बात करते हैं, कोई एक फिनोमेना नहीं है. यू नो, यू हैव स्टडीड लॉ अब्रॉड और आप जब वापस आ रही थी, यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर. तो क्या सोचा था कि वही हालात होंगे जिसमें जाऊंगी, या फिर सोचा था कि शायद नहीं जाती, यहीं पे रह जाती हूँ? एक्चुअली आई डिड थिंक ऑफ स्टेइंग इन लंदन, बट आई वॉन्टेड टू कम बैक क्योंकि माई होम इज़ हेयर, माई फैमिली इज़ हेयर. एंड जब मैं वापस आई थी, आई वॉज सो फुल ऑफ होप दैट यू नो दिस इज़ माई सिटी, थिंग्स आर गेटिंग सेफर, थिंग्स आर हैपनिंग, अब बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है. जो हुआ भी, जो हुआ, जो हुआ भी, हाँ. एंड नाउ एज समवन इन द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री, द ओनली वे टू एक्सप्रेस इट इज़ यू फील वेरी लेट डाउन. हाँ, ये आपने अच्छी बात की. और ये यंगर जनरेशन तो ख़ास तौर पर लगता है कि ये सोचती होगी कि हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, कि इस चीज़ को हम किस तरह संभालेंगे या हम किस तरह बेहतर लेके जाएंगे. आप कब से लिख रही हैं? क्योंकि ये आपकी जो एहसास है जो आके आपने लफ्ज़ों में डाला है, ये कोई नया नहीं लग रहा. लगता है कि आप काफ़ी अरसे से लिख भी रही हैं पोइम्स वगैरह. मैं एक साल से तकरीबन पोएट्री लिख रही हूँ. फॉर मी इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन. And I've been doing it in my room for the past year. जी बिल्कुल, क्योंकि आपके अंदाज और आपकी आवाज़ माशाल्लाह डिलीवरी के अंदाज़ बहुत अच्छी थी, तो हमने लग रहा था कि आप शायद कुछ गाते हो. अब अंग्रेजी में ही गाती भी हैं और जबरदस्त, और शायद सीख भी रही हैं. Yeah, I also study music. अच्छा, we would like, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हुई ये जो कराची के हालात के हवाले से, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कराची के हालात के हवाले से खूबसूरत अल्फाज, आई वुड लाइक नूर के आप कोई इसमें से चंद जो आपको लगता है कि आपके दिल को छुआ है, वो जरूर आप पढ़ के सुनाए हमें. So there's a part that I think reflects on the hopelessness of the youth. So I'll just read that out. Karachi, I know your heaving, smoke-filled lungs are dying to sing out all that's been left unsung. The tales of how they promised you prosperity, gave you this facade of unity, and one day left you used, bruised, and cut off your tongue. Wonderful. Beautiful. खास तौर पे आपने स्मोक फिल लंग्स की बात की है, तो इधर हम अपने इन्वायरमेंट को भी ज़रूर लाएंगे, बिकॉज बहुत सी दुनिया है, बहुत से लोग हैं जो बड़ा निगेट करते हैं जी क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है. ये जो इस वक्त तबाहकारियाँ आप देख रहे हैं ना, ये इसी वजह से हैं. आप नाना करते रहें लेकिन ये चीज़ें और ज़्यादा बुरी होंगी. मतलब कि ये को रिलेशन आप पढ़ लें इस बात को और आप समझ लें, बिकॉज कभी कभार वाकई लगता है कि आप यूज़ भी हो गए, अब यूज़ भी सब कुछ हो गया, लेकिन जिसको बात समझ आनी चाहिए, जिनको जो प्लानर्स हैं हमारे, जो डिसीजन मेकर्स हैं हमारे, उनको लगता है कि अभी तक ये बात समझ नहीं आई. बिल्कुल. और अब बहुत सी जगहों पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हम देख रहे हैं कि जनाब एहतजाज करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, पिटिशन देंगे. शहजाद कुरैशी साहब भी कल चीख चीख के बोल रहे थे कि हम जरा ऑडिट कराना चाहते हैं. तो लेट्स सी क्या होता है आगे. अच्छा नूर, फाइनली ये जरूर बता दें कि बहुत से ऐसे फोरम्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट के लिए कॉल दी हुई है, आज भी हैं कुछ कुछ, वेंसडे को भी कहा जा रहा है, और बड़ा एक पुश किया जा रहा है लोगों को कि अभी भी ना निकले तो क्या फ़ायदा, फिर आप फिर चुप करके फिर बर्दाश्त करो सब कुछ. क्या कहेंगी आप कि चेंज कैन बी मेड दैट वे, और कैसे आएगा चेंज? आई वुड से कि हर कोई इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई राइट पोएट्री, समवन एल्स कुड डू फिल्म, समवन एल्स कुड प्रोवाइड फंड्स. तो
even if I can maybe reach out to 5 or 10 people and get them to do what is in their capability, I would have fulfilled my civic duty as a citizen of this country. So I think change can be made. बस आपको हाँ आपका ये बड़ी तसल्ली हुई सुन के कि आप लोग अभी तक ये जो नौजवान नस्ल है अभी तक होपफुल है और आपको लगता है कि चेंज कैन बी मेड कोई और देयर इज नो अदर वे तो लिहाजा ये पीसफुली प्रोटेस्ट करना बिल्कुल आपका राइट है और आपको करना भी चाहिए जिस तरह नूर ने लिखा है आप अगर प्रोटेस्ट कॉल हो रही है तो एक जगह इकट्ठे होके जमा होके अपनी पावर उस तरह आप दिखा सकते हो दैट यू मीन बिजनेस के इस बार अगर चीज़ें ना बदली तो दिस इज़ नॉट गुड लोग ही हैं जो डिमांड कर सकते हैं और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वो जो वोट है जो बड़ा काउंट करता है वो भी आप ही के हाथों में है एक, अगर एक, आपको नजर आ रहा है फ़नून लतीफ़ा जो है शायरी हो गई मौसीकी हो गई म्यूज़िक हो गया पेंटिंग हो गई ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होते हैं अपने प्रोटेस्ट का एंगर का अपने जज्बात का तो आप ये सब इस्तेमाल करें अगर आप इसमें अच्छे हैं और बहुत से पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है उसमें भी जरूर हिस्सा लें नूर होपफुली अगली दफा जब आप आएंगी तो गिटार लेके आएंगी और हम आपसे गाना सुनेंगे ऐसा और इसको आप बेशक या फिर इससे और ज्यादा चीज इसको भी आप कंपोज कर सकती हैं या और कोई चीज भी हम आपसे सुन क्या ही बात हो कि नेक्स्ट टाइम हम नूर से मिले तो कराची के हालात सडनली इतने बेहतर हो गए हो कि ये रेलेवेंट रहे चीज हम तो चाहते हैं वरना ऐसी शायरी कुछ पोएट्री हम देखते हैं 100-100 साल पुरानी वो आज तक रेलेवेंट होती है और कभी कभार इस बात की खुशी नहीं होती बिकॉज चीजें की तरफ आनी चाहिए नूर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग जबरदस्त जी तो लिहाजा यंगस्टर्स जो हैं वो जबरदस्त काम भी कर रहे हैं और हम कहते हैं ना कि दे डोंट फील कि उनको नूर से जल्दी से इंस्टाग्राम पेज में पूछ लो क्योंकि इनका पोएट्री का पेज है जल्दी से आप बता आज नूर मानवीवाला इनका पेज है आप इनको जरूर फॉलो करें इनकी ये शायरी और भी शायरी फील वेरी स्ट्रांगली कि उनके शहर के साथ क्या हो रहा है तो लिहाजा ये आप भूल में ना रहें कि जी इनका क्या है ये प्रिविलेज ना बाहर चले जाएंगे क्यों भाई ये बाहर से वापस आ रहे हैं दे वॉन्ट टू मेक अ चेंज